यूपी पीडब्ल्यूडी के सामने आया 50 करोड़ का घोटाला। देवरिया और बस्ती में हुआ सड़क के नाम पर घोटाला। कागजों पर बनाई गई 300 सड़कें और कराया करोड़ों का भुगतान। तो कागजों में सड़कें बनाने वाला पीडब्ल्यूडी एक्शन जांच में दोषी पाया गया है। पीडब्ल्यूडी एक्शन आलोक रमण पाया गया दोषी। एक्शन पर जल्द होगी बड़ी कार्रवाई। तो घोटाले की जांच रिपोर्ट सीएम योगी को भेज दी गई है। 2017 से 19 तक बस्ती में ये घोटाला हुआ था और अब जल्द ही एक्शन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता गगन मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गगन, अब ये बड़ा घोटाले में एक्शन दोषी पाया गया है, जल्द होगी बड़ी कार्रवाई? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से देवरिया और बस्ती दोनों जिलों में 300 से ज्यादा सड़कें ऐसी सड़कें थी जो सिर्फ कागजों में थी, पूरे मौके पर एक भी सड़क नहीं थी, जिसकी लगातार जनप्रतिनिधि जिसमें विधायक बस्ती के एक दो विधायकों ने मुख्यमंत्री से खुद शिकायत की थी। इस पूरे मामले की गोपनीय रूप से जांच कमेटी बनाई गई, जिसके बाद रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी तरह से पूरे विभाग में साथ ही साथ पूरे सूबे में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार 300 से ज्यादा नई सड़कों पर गबन किया गया जो सिर्फ कागजों में, 50 करोड़ का मामला है। वही यही नहीं, सिर्फ 6 करोड़ पर बिना कोई भी वर्क ऑर्डर कर दिया गया बिना काम के, उसको भी जांच हुई थी, जिसमें साफ तौर पर आलोक रमण का नाम सामने आया है, जिनकी सरपरस्ती में पूरा खेल चल रहा था, जिस तरह से वो किसी भी अधिकारियों को भनक नहीं लगने दी और 300 से ज्यादा सड़कें सिर्फ कागज बना ली। ये जरूर है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से खुद भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो जरूर इस पे जल्द से जल्द बड़ा एक्शन लेने की मूड में है। बिल्कुल, अब जिस तरह से पूरा घोटाला गगन सामने आया है और इसमें आलोक रमण को दोषी भी पा लिया गया है, तो अभी तक कोई कदम उठाया गया उनके खिलाफ और जो दोषी यहाँ पर ठहराया गया, इसको लेकर आलोक रमण की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक? देखिए, जिस तरह से आलोक रमण क्योंकि दोषी पाए गए हैं, वो लगातार अपने घर पर दिख रहे हैं, क्योंकि पूरे विभाग उनको साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा। तो माना जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से सूचना आ रही कि इन सभी दोषी अधिकारियों, जितने 20 अधिकारी हैं जिसमें 16 जूनियर इंजीनियर हैं, 2 सहायक अभियंता हैं और आलोक रमण खुद एक्शन है, उन सभी को जेल भेजा जाएगा, ये तो तय माना जा रहा है। लेकिन किस कब जांच होती है, कितने जल्दी होती है, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से जांच रिपोर्ट सामने आई है, उसने पीडब्ल्यूडी विभाग की कलई खोलकर रख दी कि किस तरह से सिर्फ सड़कों पे, सिर्फ कागजों पे सड़क बन रही है, मौके पर कुछ नहीं दिख रहा है, जनप्रतिनिधि लगातार शिकायत करते हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं होता है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने सख्त रूप अब अख्तियार किया था, जिसके बाद जिसका खामियाजा सामने दिख रहा है कि 20 अधिकारियों को दोषी सिद्ध किया गया है और जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है और जल्द से जल्द सख्त एक्शन होगा, साथ ही साथ इन सभी दोषी अधिकारियों को जेल भी भेजने की तैयारी होगी। बिल्कुल, यहाँ पर अब घोटाले की जांच रिपोर्ट सीएम योगी को भेज दी गई है और सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी है कि क्या कुछ एक्शन यहाँ पर लिया जा सकता है। लेकिन अब जिस तरह से आलोक रमण को दोषी पाया गया, उसके बाद कई और नाम यहाँ पर सामने आ सकते हैं इस घोटाले को लेकर गगन? देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग में ये कोई नया घोटाला नहीं है, आए दिन पीडब्ल्यूडी विभाग में लगातार घोटाले सामने आते हैं। कहीं पे गड्ढे भरने के नाम पर पैसा फैसन करा लिया जाता है लेकिन पैसा खर्च नहीं होता है। अब तो ये हालात यहाँ आ गए हैं कि 300 से ज्यादा सड़कें सिर्फ कागजों में बनाई जाती है, तो कई अधिकारी अभी सामने आने हैं कि एक्शन आलोक रमण के ऊपर किसका हाथ था, किसके सरपरस्ती में वो काम कर रहा था, क्योंकि एक दो नहीं 300 से ज्यादा सड़कों का मामला था, तो उस पर भी जांच चल रही। लेकिन फिलहाल जो प्रारंभिक जांच हुई थी उसमें एक्सीएन आलोक रमण को मुख्य दोषी बनाया गया है और जांच फिलहाल मुख्यमंत्री के सामने है। अगर मुख्यमंत्री जांच से संतुष्ट नहीं होते हैं तो और नई कमेटी बनाकर इसके ऊपर जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो गोपनीय कमेटी बनाई गई थी, जांच कमेटी बनाई गई थी, उसने आलोक रमण को ही मुख्य आरोपी बनाया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गगन आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।